श्री माननीय प्रधानमंत्री, श्री माननीय मुख्यमंत्री आपको विनीता पार नमस्कार करती है। हरदल मऊ ब्लॉक जिला गोंडा से। विनीता जी नमस्कार, जरा अपने बारे में बताइए, अपने काम के विषय में जानना चाहूंगा मैं। नर्सरी का काम करती हूँ सर, सागवान लगाए हैं, एपिस लगाए हैं, सहजन लगाए हैं, बेल लगाए हैं, नीम लगाए हैं और सारे से काम और मैं करती हूँ। यानी अपना खुद का है कि कोई संस्था के साथ जुड़ी है कि क्या कैसे करती है? जी सर मेरा ही है, 10 सखी मिलके बनाए हैं। अच्छा अच्छा, आपने वो यानी समूह बनाया हुआ है? जी जी। अच्छा अच्छा। संगर महिला स्वयं सहायता समूह, 10 महिलाओं को मैंने इकट्ठा करके संगठन बना के मैंने एक काम चला दिया है नर्सरी। कब से शुरू किया वनिता जी? 2019 फरवरी से सर। और आपके यहाँ 10 बहने हैं? ये आइडिया कहाँ से आया आपको? जी हरदल मऊ ब्लॉक से श्री राम प्रकाश मौर्य ने मुझे सूचना दिया तो मैंने नर्सरी लगाया था। अच्छा, लेकिन ऐसे ही पता चल गया कि ये काम करना है, कि ये काम की कुछ ट्रेनिंग हुई, कुछ में कुछ करना पड़ा होगा ना आपको? जी सर, सर हम सब लोग बहुत गरीब थे सर। जो हमारे ये हरदल मऊ ब्लॉक है, मैं सर जाती रहती थी, देखी रहती थी, तो सर मैं सर से बात किए कि सर मुझे कोई काम बताओ, मैं काम करें और आगे बढ़ जाए। तो सर ने मुझे बताया कि तुम काम करो, हम तुम्हें काम देंगे, आप आगे बढ़ जाओगी। तो मैंने एक काम सर किया, नर्सरी का काम किया। तो ये 10 बहने कितना कमाई करते हैं आप इस नर्सरी शुरू किए हैं तो? जी हमें महीने में 50,000 बचत हो जाती है, साल में 6 लाख बचत हो जाती है। 6 लाख रुपया एक साल में? जी, और जो एक बहन है उसको मैं महीने में 3,000 दे देती हूँ सर। जो खर्चा लगता है उसको मैं, और खर्चा पानी निकाल के एक बहन को 3,000 रुपया मैं दे देती हूँ। अच्छा, देखिए आपको तो कमाई भी हो रही है और आप पर्यावरण की रक्षा भी कर रही है। मुझे और मदद किया है। इसके लिए आपकी कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी हुआ होगा कोई? जी। कहीं ट्रेनिंग हुआ होगा आपका? जी जी ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, और बहनों का भी ट्रेनिंग हुआ? जी जी सर, सबकी हुई है। चलिए, आप और आपके समूह की बहनें जो काम कर रही हैं, बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही हैं। और आपने एक प्रकार से अपने गांव में इन 10 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का जो बीड़ा उठाया है और 6 लाख रुपए जितनी आमदनी करती हैं आप, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आप बहुत प्रगति करें, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद विनीता जी। श्री माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को विनीता का धन्यवाद देती है। मैं अपने नगरी से एक पौधे भी देना चाहती हूँ, फिर मैं फूल भी देना साथ में चाहती हूँ। बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। धन्यवाद विनीता जी। अब प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद के लिए हम जनपद बहराइच चलेंगे, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्री तिलक राम जी उनसे संवाद करेंगे। तिलक राम जी नमस्ते। अपना परिचय, अपने काम के विषय में थोड़ा बताइए तिलक राम जी। हम खेती करता हूँ सर, और जैसे और सीमेंट लगाया था उसको काट लिया हूँ सर, और अब धान लगाने वाले हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं? माता जी हैं, पिता जी हैं, एक भाई है और मेरी बीवी है, 3 बच्चे हैं सर। अच्छा, तो काम क्या करते हैं? काम यही खेती बाड़ी का करता हूँ सर। अच्छा, और नरेगा सरेगा में काम करता हूँ सर। ये पीछे बहुत बढ़िया मकान बन रहा है आपका तो, बड़ा तगड़ा, क्या बात है? आपने कहा है सर, प्रधानमंत्री जी आपने दिया है। अच्छा अच्छा, आपको सरकार का लाभ मिला है? उसी में बनवा रहा हूँ सर। तो नीचे वाला बन गया, अभी ऊपर बना रहे हैं? हाँ, नीचे वाला साहब बन गया, स्लेब पर रही साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ मिला?
हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुझे लाभ मिला। तो पहले कहाँ रहते थे? पहले कहीं नहीं जाते थे, घर पे ही रहते थे साहब। ऐसे ही झोपड़ी में? झोपड़ी पहले बहुत दिक्कत थी साहब, ना एक घर था, छपरा था, बारिश में बहुत दिक्कत होती थी और गर्मी में भी दिक्कत होती थी, लेकिन आपने दिया बहुत अच्छा। अब है परिवार हमारे सुखी से रहेगा। तो अभी तो घर वालों को पक्का मकान मिल गया, तो घर वालों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई होगी। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, पूरा परिवार बहुत खुश है। तभी मेहमान भी बहुत आते होंगे घर में। आज अभी हाँ आते हैं साहब, पहले झोपड़ी में तो कोई मेहमान नहीं आता है, अभी तो मेहमान भी बहुत आते होंगे। आता है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई करवाते हो? हाँ साहब, बच्चों पर। आप मुझे बताइए, आपको प्रधानमंत्री आवास मिला, आप प्रधानमंत्री को क्या दोगे? प्रधानमंत्री को भगवान से कहता हूँ, खूब सुखी से रहे, वो सारी जिंदगी प्रधानमंत्री ही रहे। बस ऐसे ही कह दोगे क्या? खुद कुछ देंगे नहीं आप? कुछ देने की बात बोलो ना। अच्छा, मैं मांगता हूं, देंगे आप? पक्का? पक्का देंगे? अच्छा, देखिए, पहला तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप बच्चों को जितना पढ़ना है जरूर पढ़ाएंगे, कभी भी आपको थोड़ी तकलीफ पड़े तो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, करेंगे? पढ़ाएंगे सर, पढ़ाते हैं। पक्का? पक्का सर। और हर साल मुझे चिट्ठी लेके बताओगे कि भाई बच्चे अभी यहाँ इस क्लास में आए, इतना मार्क लाए हैं, ऐसा बताओगे? बताएंगे सर। तो ये वादा पूरा करना है आपको? पूरा करेंगे सर। देखिए, हमने आपको ये आवास दिया, सरकार की योजना से आपको लाभ मिला, तो देश की भलाई के लिए आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाएंगे साहब, पढ़ रहे हैं। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामना है और आपकी माताजी के यहाँ से दर्शन हो रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, माँ के आशीर्वाद मिले ताकि हम सब अच्छा काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जिला सिद्धार्थ नगर के कोडरा ग्राम पंचायत में लॉकडाउन के दौरान 693 श्रमिक वापस लौटे हैं। इन्हीं में से एक श्री कुर्बान अली जी अब प्रधानमंत्री जी के साथ वार्तालाप करेंगे। कुर्बान अली जी, नमस्ते। सर, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ये पीछे जगदम्बे प्रसाद बड़ा गुस्सा करते होंगे, उनको नाराजगी होती है कि देखो ये हमारे यहाँ का कुर्बान अली तो बात कर रहा है लेकिन मुझे बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। कहिए कुर्बान अली, क्या करते हैं आप कल? सर, मेरा नाम कुर्बान अली है, मैं कोडरा ग्राम जिला सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। मैं मुंबई में राजमिस्त्री का काम करता था। लॉकडाउन के दौरान मैं और मेरा छोटा भाई गाँव वापस लौट कर आए। प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि गाँव वापस आने के बाद मुझे और मेरे भाई को और मेरे गांव में जितने लोग आए हैं सबको राशन किट भी दिया गया और 1,000 रुपया भी दिलाया गया, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। और राज्य सरकार को हमारे हुनर के मुताबिक हमारे ही गांव में हमें काम भी दिलाया गया, जिससे मैं राज्य सरकार और प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो कुर्बान अली जी, इस बार तो ये कोरोना के कारण आप मुंबई छोड़ करके घर आ गए, तो रमजान का महीना भी तो घर में सबके साथ मनाया होगा? नहीं सर, 15 मई में हम लोग मुंबई में थे। अच्छा, लॉकडाउन में मुंबई से 12 मई को मैं अपने गांव वापस प्राइवेट बस से गांव वापस आ गया। अच्छा, तो अभी गांव में क्या करते हैं आप? वापस आए हैं तो सर, गांव वापस आने से पहले मेरा मेडिकल जांच हुआ, 21 दिन होम क्वारंटीन में भी रखा गया। मैं और मेरा छोटा भाई गाँव पे प्राइवेट में काम करते थे और यहाँ पे प्रधान जी हमारे सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं, जिसमें हमें हमारे भाई को राजमिस्त्री का काम भी दिलाया गया। और आगे बोले प्रधान जी की राज्य सरकार द्वारा जैसे
और काम भी मिलेगा, जैसे प्राइमरी की मरम्मत और गांव में घर घर शौचालय भी बनाए जाएंगे। हमें वहां भी राजमिस्त्री का काम भी दिलाया गया, राजमिस्त्री की हमारी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, जिनका सर्टिफिकेट हमें दिलाया गया है। अच्छा अच्छा, यानी अब आप एक बड़े सर्टिफाइड राजमिस्त्री बनकर के काम के लिए जाएंगे आगे। जी सर। हैं? तो आप जब वहां थे और बीमारी की खबरें आई तो माँ बाप और सब रिश्तेदार सब बड़े चिंता में पड़ गए होंगे। सर लॉकडाउन के समय हम भी घबरा गए थे, लेकिन आपने ट्रेन भी चलाई और घर वाले थोड़ा खुशी भी हो गए कि ये रमजान का दिन भी था और ईद भी करीब थी, इसलिए घर वाले बोले 12 मई को प्राइवेट गाड़ी से हम लोग घर चले आए, अपने परिवार के साथ ईद भी यहाँ पे मनाई। चलिए तो सब माँ बाप भाई बहन सब खुश हो गए आप आ गए तो। सब यहाँ पे सभी खुशी है। लेकिन अभी तबीयत संभालते हो कि नहीं संभालते हो, बड़े बहादुर बनकर के ऐसे ही घूम रहे हो? नहीं सर, यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ, यहाँ पे रोजगार भी हमको दिलाया गया, यहाँ पे भी हम काम भी कर रहे हैं। चलिए मेरी आपको बहुत शुभकामना है और आप अपना परिवार स्वस्थ रहे कुर्बान अली जी। और कौन है? अब मैं अहमदाबाद से वापस लौटे, गोरखपुर को वापस लौटे श्री नागेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। इन्होंने गोरखपुर लौटकर मुद्रा ऋण के माध्यम से डेयरी का काम प्रारंभ किया है। मतलब कि आप योगी जी के गांव के हैं और मेरे गांव में रहते थे? नमस्कार। नागेंद्र जी कहाँ रहते थे अहमदाबाद में? राजू नगर सर। है? राजू नगर। राजू नगर, अच्छा। कितने साल रहे वहाँ? मेरे चाचा जी रहते हैं वहीं। अच्छा अच्छा, चाचा जी के पास रहते थे। जी सर। क्या काम करते थे वहाँ? स्टील बर्तन का काम सर। अच्छा, तो ये सीखा कहाँ आपने स्टील बर्तन का? इतना बड़ा वो तो काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है सर। वहीं चाचा के लड़के कराते थे, वहीं सिखाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप वापस कैसे आ गए सर? लॉकडाउन चल गया तो क्या करें वहाँ पर। अरे अहमदाबाद तो बहुत बढ़िया है। कंपनी भी बंद हो गई थी सर। अच्छा, या माँ भी चिंता करती होंगी, रिश्तेदार चिंता करते होंगे कि भाई बीमारी में तुम कहीं मत रहो, घर चले आओ, ऐसा हुआ होगा? इसलिए चले आए सर। हाँ, तो बीमारी का इतना डर कैसे लग गया? वैसे ही बीमारी है सर। तो अभी डर है कि अभी डर निकल गया? अभी पूरा डर है। अच्छा, तो अहमदाबाद से निकले कैसे आप? ट्रेन से सर। अच्छा, ये जो श्रमिक ट्रेन था उससे आ गए? जी सर। अच्छा, तब क्या मन करता है यहाँ? यहाँ सर हम यूपी बड़ौदा यूपी बैंक से हमने लोन लिया है सर। लोन लिया है आकर के? जी सर। किस चीज के लिए लोन लिया? डेयरी खोलने के लिए। अच्छा, कितना लोन लिया है? 1 लाख। 1 लाख रुपया? जी। तो आपको दे दिया बैंक वालों ने? हाँ सर। आपने डरा दिया होगा उनको कि मैं अहमदाबाद से आता हूँ, मोदी जी के गांव से आता हूँ, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, ऐसा किया था क्या? नहीं सर, पहले तो मैं लॉकडाउन में यहाँ तो प्राइमरी स्कूल में ही रहता था। हाँ, लॉकडाउन का पालन करके ही गया था। तो क्या किया 1 लाख रुपए का? मैंने भैंस खरीदा। भैंस खरीदा, तो क्या क्या योजना क्या है आपकी? डेयरी का सर। डेयरी का, तो अभी भैंस दूध देती है? हाँ सर, देती है 10 किलो। कितना कितना दूध बेचते हैं आप? 7 किलो दूध हम बेचते हैं सर। कितनी कमाई होती है? 365 रुपया। अच्छा, यानी हर दिन का 365 रुपया? जी सर। अच्छा, और वहाँ अहमदाबाद में कितना कमाते थे? वहाँ तो सर वही पड़ जाता था 8,000-7,000। तो आप गांव में आए, भैंस लाए और ज्यादा कमाने लग गए, तो आपको तो कोरोना फायदे में गया। जी सर। हैं, आपने आपत्ति को अवसर में पलट दिया। बस हमें आपसे ही सीखना है, सब सरकारों को यही सीखना है कि देखिए हमारे नागेंद्र जी ने आपत्ति को कैसे अवसर में पलटा, हम भी आपत्ति में से अवसर कैसे ढूंढे। तो
तो अभी क्या करोगे, एक ही भैंस से चलाओगे? डेयरी करना है तो भैंस तो ज्यादा चाहिए हमको सर। इससे मिलेगा तो और उन्नति हम और एक तीन से चार बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो अभी बैंक को पैसा वापस देने होता है, वो रेगुलर देते हो? देते हैं। तो बैंक दूसरे पैसे देने के लिए तैयार है? हाँ सर। अच्छा चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामना है, लेकिन मैं एक दो बात बताना चाहूंगा। आपने भैंस रखी है, कभी कभी क्या होता है हमारे यहाँ क्या खिलाना उसका ज्ञान नहीं होता है, और ज्यादातर घर की महिलाएं ही ये पशुपालन करती हैं। अब जैसे भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया खर्च करके पशुओं के फुट टू माउथ डिसीज का टीकाकरण का काम शुरू किया है, आप सबसे पहले ये टीकाकरण करवा दीजिए। उसी प्रकार से भारत सरकार ने पशुपालकों के लिए भी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड निकाला है। आप वैसा किसान क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उससे आप आगे का कर्ज लीजिए, तो उसमें थोड़ा आपको मदद ज्यादा मिल जाता है, तो ये भी आप जरूर कीजिए।